आया क्यों नहीं अभी तक? घनश्याम काका ने कितने बजे आने को कहा था? टाइम तो यही बताया था। अरे कांतिरा, बस क्या यहाँ से जाएगी? क्यों चिंता कर रही है मीठी बा, आ जाएंगे। माँ, आपके बिना जीने रहने की आदत नहीं है। इतने दिन आप दोनों के बिना हम कैसे रहेंगे? हाँ माँ, आपकी बहुत याद आएगी। माँ, आपके बिना इतने दिन। तुम तीनों बिना अभी तक बच्चों जैसे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम तीनों अपनी सेहत का बराबर ध्यान रखोगे, ज्यादा तनाव मत करना और थोड़ा आराम भी कर लिया करना। देखो, तुम तीनों के लिए गणपति बापा की मूर्ति लाई हूँ, लो। जब भी कोई परेशानी हो ना, इनका ध्यान कर लिया करना, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान मेरे तीनों बेटों को मेरी भी उम्र दे दे। मेरे बच्चे तो मेरी जमा पूंजी है, मेरी दौलत है। इसलिए तो कहती हूँ, अपनी अपनी सेहत का बराबर से ध्यान रखना। एक मिनट। हेलो, आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं? अगर माँ के पास खड़े हैं तो थोड़े से दूर चले जाइए वहां से। एक मिनट आया। हाँ बोलो इंदु। सुनिए, अब वहां खड़े खड़े आप लोगों को घनश्याम काका का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कोई नहीं आने वाला है। आप माँ और मीठी बा को वहीं छोड़िए और सीधे घर चले आइए। ये क्या कह रही हो इंदु तुम? तुमने तो कहा था कि घनश्याम काका आने वाले हैं, और अब कह रही हो कि? मैं जो कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। ऐसे कैसे, कहाँ रहेंगे ये दोनों? अपने पीछे पलट कर एक बोर्ड लगा है, उसे देखिए। ये क्या कह रही हो इंदु तुम? माँ और मिट्टी पर यहाँ रहेंगे? हमेशा के लिए थोड़ा ही ना छोड़ रहे हैं हम उन्हें, कुछ ही दिनों की तो बात है। बस इस घर का सौदा हो जाने दीजिए, फिर जब हम पैसे वाले हो जाएंगे तो हम भी उन्हें अपने साथ अपने नए घर में ले जाएंगे ना। पर हिंदू, बस अब ज्यादा सोचिए मत। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? ये तेरे चेहरे के 12 क्यों बज गए हैं? कुछ नहीं, हम 2 मिनट में आते। हरी कांति, चलो। खम्मा बेटा, मनर बेटा, मनर बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ हमारे बच्चे? जरा ध्यान रखकर चला करो ना बेटे, ज्यादा चोट तो नहीं आई? तुम जरा देख कर चला करो ना। तुम मेरे बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? कैसे गिर गए तुम? क्या परेशानी है तुम्हें? माँ, आप बस 2 मिनट बैठिए, हम अभी आते हैं। जल्दी आना बेटा, चलो। बात क्या है भाई, क्या कर रहे हैं हम लोग? सब बता दूं, हमें घर चलना होगा, लेकिन माँ और मीठी बा को छोड़ के और घर चल के क्या होगा? अरे चलो तो सही, चलो।
सुनंदा, ये तेरे तीनों बेटे कहाँ चले गए? मेठी बा, अब मुझे चिंता भी होने लगी है। बहुत टाइम हो गया उन्हें गए हुए, कहीं किसी परेशानी में तो नहीं फंस गए होंगे? घनश्याम भाई भी नहीं आए अभी तक, और ना ही बस भी आई। अरे आप लोग वहां बैठे हैं अभी तक? चलिए, काफी रात हो गई है और आश्रम का बंद होने का टाइम हो गया है। आश्रम? जी हाँ, आप आश्रम में ही है। वो देखिए, लेकिन भैया हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं और ना ही रहने आए हैं। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, हम तो तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए निकले हैं। हमारे बेटे यहीं कहीं थोड़े काम के लिए गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। अरे बहन जी, कितनी भोली हैं आप, इतना भी नहीं समझती। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं उनके बच्चे ऐसे ही उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़कर जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बेटे ऐसे नहीं है। ऐसा ही हुआ है और आपके बेटे भी कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे लग रहा था मुझे ये तेरे नालायक बेटे बिना मतलब हमारे लिए पैसा खर्च करके यात्रा पर नहीं भेज सकते थे। देखा सुनंदा, घर की मालकिन को ही घर से बेघर कर दिया इन लोगों ने, लेकिन अपना घर होते हुए हम यहाँ नहीं रह सकते, हरगिज नहीं रह सकते। चल उठ, उठ सुनंदा, चल घर चल। अब भी खबर लेती हूँ इन लोगों की। मैं अभी तीनों को अच्छी तरह से उनके अकल ठिकाने लगाती हूँ। देखती हूँ, मेरे गांव का घर है, मेरा घर है। अरे अटो, रुक जा, अटो। बहन जी, अरे वो देखे, वो आपके साथ वाली माँ जी कहाँ भागी जा रही है? अटो, अटो, अरे अरे रुक जा, मुझे घर जाना है। जख्म काफी गहरा है, ध्यान रखना कि जब तक ये पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, इनका यहां से उठना या कहीं बाहर जाना इनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं कुछ दवाइयां लिख के देता हूं, वो ले आइए, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं चलता हूं अभी, बाद में इन्हें देखने आऊंगा। ठीक है? ठीक है, चलता हूं। सुन रही हो ना माता जी, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अब यहाँ से फिर से भागने की कोशिश मत करना। मैं आपके लिए खाना ला देता हूँ, आप खाकर सो जाइए, आज से ही आपका घर है।
देखा गोपू, ये है तेरे औलाद। जी करता है जाकर दो दो थप्पड़ लगाऊं इन तीनों को। सुनंदा को इस हालत में अकेले तो छोड़ नहीं सकते। कर रहे हैं आप? अच्छा सपना आ रहा था मुझे, अभी ना सोने भी नहीं देते। क्या हुआ है तुम्हें? क्या लगता है इंदु, अपनी माँ को यूं बीच रास्ते पे छोड़ना आसान था मेरे लिए? तो क्या करोगे, सारी रात बैठ के आंसू बहाओगे क्या? और रास्ते में नहीं छोड़ा, आश्रम में छोड़कर आए हो उन्हें। खुद तो सोते नहीं हो, मुझे भी नहीं सोने देते हो। वो लोग तो सो भी गए होंगे अभी तक। जब से माँ को धोखे से छोड़ के आए हैं, पता नहीं क्यों मन अंदर ही अंदर कचोट रहा है, तो आंखों से नींद भी गायब हो गई। मैं अच्छी तरह जानता हूँ माँ को भी वहां नींद नहीं आती होगी। जिन बच्चों को उसने हमेशा अपनी गोद में सुलाया, जिन बच्चों पर जिसने जरा भी धूप नहीं पड़ने दी, वही बच्चे इतने नालायक निकले। बस एक बार ये मकान उसके नए मालिक को सौंप दे और हम तीनों अपने 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 घरों में चले जाएं, फिर हम मां को वापस ले आएंगे। कांति, अरे कभी कभी अच्छा होने के लिए कड़वी दवाई का सहारा भी लेना पड़ता है। जानकी, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कुछ कुछ गलत हो रहा है।
और इस देह के गिरने के अपशगुन के बाद तो मुझे और भी डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर हमसे कुछ कहना चाहते हो, जैसे जैसे कोई संकेत देना चाहते हो। बिंदिया तुम कैसी हो? भावना चाची कैसी है? सब ठीक है ना? सब कुछ बहुत अच्छा है और मम्मी जी भी बहुत अच्छी हैं। वो तो रोज मेरे साथ शूटिंग पर जाती हैं। पता है जानकी, आजकल मैं एक ऐसी शातिर बहू का रोल कर रही हूँ जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी सास को कभी मंदिर भेज देती है और कभी सत्संग में, ताकि वो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ ऐश कर सके। हाँ, और पता है एंड में वो क्या करती है? वो एंड में कामयाब हो जाती है अपनी सास को घर से बाहर निकालने के लिए। कहीं हमारे घर में भी तो ऐसी ही साजिश नहीं हुई है? हे भगवान, मीठी बा और दादी माँ की रक्षा करना। ये देखो कितना सुंदर है ये। Don't feel bad. पर मुझे तो फ्लैट में रहना पसंद ही नहीं है। न छत अपनी, न जमीन अपनी, कहाँ? मैं तो बंगला खरीदूंगी। हाँ भाई, ले लेना। वैसे भी अब तो बहुत सारे पैसे आने वाले हैं हमारे पास। अच्छा चलो, मेरे लिए भी तुम बंगला ही देखना। अरे सुनिए जी, ये देखिए, ये देखिए जी, ये फ्लैट कैसा है। लेकिन कोकिला बोल रही थी कि बंगले में रहेंगे, बंगले में रहने में ज्यादा मजा आएगा। देखिए ना, आप देखते क्यों नहीं? बस करो इंदु, बस। वो सपने, वो पैसे, सब सब भूल जाओ। मिस्टर मेहता का आदमी आने वाला है और उसने कहा है कि फाइनल डील होने से पहले वो घर के मालिक सुनंदा घीवाला से मिलना चाहता है। वो वेरिफिकेशन करना चाहता है कि माँ को तो इससे कोई आपत्ति नहीं, और माँ तो है नहीं, यानी इस घर को बेचने के अरमान अरमान ही रह जाएंगे। अरे ऐसे कैसे, अब क्या करेंगे कोकी? लगता है ये खुशी मेरे नसीब में ही नहीं है। भाभी, don't feel bad. पर आप ना जरा जरा सी बात पे टेंशन ले लेती हैं। ये हमने जैसे सोचा था वैसा ही सब कुछ होगा। मैं हूं ना, सब संभालूंगी। और कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस ये बता दीजिए कि वो एजेंट कब आ रहा है। आज ही, मतलब अभी एक घंटे में। बैड कुकी, पर समय बहुत कम है। इसे कुछ सोच, ये मिठी बा मेंशन तो हर हाल में बिकना है। कहाँ?